गार्डन देखने के बाद हमने अभी पकड़ लिया राइट वाला रास्ता जो शिमला को जाता है। एंड अभी थोड़ा सा घाट एरिया स्टार्ट हो गया, अभी थोड़े से लाइट घाट है, उसके बाद एक एरिया आता है को कहते हैं कांदा घाट। तो कांदा घाट से मेन जो शिमला जाने का सफ़र है वहाँ पे बड़े बड़े घाट हैं, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वाले घाट हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है। सो ऑलवेज बी सेफ, ब्रेक लेने के लिए जगह होती है जो साइड में, बहुत जगह होती है बीच बीच में जहाँ पे आप गाड़ी रोक सकते हो, आराम से थोड़ा सा सांस ले सकते हो, फ्रेश एयर, क्योंकि आप ना हम गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं, एसी में बैठे हुए रहते हैं गाड़ी में, तो थोड़ा सा हमको बंद बंद सा महसूस होने लग जाता है। एंड सिंस हम तो है भाई मुंबई वाले, हमको आदत नहीं है घाट की ज़्यादा, तो हमको और दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे आप जैसे ट्रैवल कर रहे होंगे आपको अलग अलग फ़ोटो स्टॉप्स मिल जाएंगे, आप उतर के गाड़ी से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं आपका मन हो तो। जैसे आप आगे आगे जाते रहेंगे आपको बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी मिलेंगे, एंड फिर और आगे जाएंगे आपको बड़ी सी वैली मिलेगी जिसको कहते हैं सोलान। तो सोलान वैली है जो शिमला के पहले आती है, एंड ये शिमला जैसी बड़ी सी वैली है, बहुत लोग हज़ारों लोग रहते हैं यहाँ पर सोलान वैली में। एंड जो छोटी छोटी वैलीज है, एकदम ही छोटी छोटी, मतलब 100 से 200 लोग रहते होंगे, कुछ 50-60 घर होंगे, कुछ तो ऐसे भी जगह है जहाँ पे सिर्फ 15 से 20 घर होते हैं सिर्फ। सो सी गाइज, ये है आपको जो वैली दिख रही है इसको कहते हैं सोलान वैली। अभी एक चीज़ जो आपको पूरे हिमाचल में मिल जाएगी वो है कि जहाँ पे रास्ता है ना, जहाँ पे सड़क है वहीं पे गांव होते हैं, वैली होती है, लोग रह रहे होते हैं सड़क के बाजू में फॉर ऑब्वियस रीजंस। इवन इफ ये हाईवे है फिर भी यहाँ पे मार्केट लगते हैं, डे टू डे सामानों की दुकानें होती है, होटल्स भी होते हैं, कुछ होटल्स होते हैं जो दूर होते हैं, बट मोस्टली जो मेन होटल्स होते हैं वो सिटी के अंदर ही होंगे, वैली के अंदर ही होंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे है कि जहाँ पे पतली सड़कें होती है, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे ना साइड में पार्क करके रखते हैं, तो जहाँ पे पतली सड़कें होती है, डिवाइडर नहीं होता, वन वे जैसी सिचुएशन होती है, तो ट्रैफिक जाम लगने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं 7 दिन के लिए हिमाचल में थी एंड जहाँ पे भी हमको ट्रैफिक मिलती थी, दिस वॉज द ओनली रीज़न कि किसी ने तो गाड़ी साइड में पार्क करके रखी है। सो अभी हम पहुँच गए हैं शिमला। तो ये जो आपको होटल दिख रहा है ये है होटल दी पार्क, जहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का स्टे था। अभी ये जो होटल है ना, ये शिमला के मेन सिटी से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो आपको जब शिमला घूमना होता है, दैट इज़ मॉल रोड, जाकू टेम्पल यहाँ पे वगैरह, तो आपको 4 किलोमीटर आगे जाना होता है। मस्त बैठे सो ये है होटल का रिसेप्शन जो है ग्राउंड फ्लोर पे। हम शाम के 6 बजे के आसपास पहुंचे थे शिमला एंड अभी हम चेक इन कर रहे हैं होटल में। तो लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। तो ये बाथरूम, हॉट वाटर का जो टाइमिंग है वो 6 to 11 थे, 6 AM to 11 AM एंड 6 PM to 11 PM। ये है मेन बेडरूम, बेड, यू हैव 2 चेयर्स इफ यू वांट टू सिट एंड एंजॉय द व्यू, टीवी होता है एंड देयर इज अ बालकनी जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं।
हमारे जो सारे रूम्स हैं, ये जो होटल के जितने भी सारे रूम्स हैं, यहाँ से ये जो वैली है ये दिखती है, शिमला की वैली दिखती है। होटल पहुंचने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए मॉल रोड घूमने। सो मॉल रोड पे जो रिज है, जो चर्च है, जो ओल्ड मॉल रोड की साइड है, जो नई गली है मॉल रोड की, वहाँ पे हम गए थे घूमने। जब हम होटल पहुँचे थे तभी शिमला का टेम्परेचर अराउंड 16 to 17 degrees Celsius था, एंड अभी शाम में 16 to 17 ड्रॉप हो चुका था 11 to 13 degrees Celsius के आसपास। बेरेबल ठंडी थी, सिर्फ हवा थी जो ठंडी थी। अगर हवा नहीं रहती थी तो इंसान विदाउट स्वेटर खड़ा हो सकता था। वैसे यू कैन टॉलरेट दिस मच ठंडी, क्योंकि इतनी नहीं होती है। 11 to 13 degrees Celsius टू बी ऑनेस्ट काफ़ी रिफ्रेशिंग ठंडी होती है, हवा होती है, बट बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी फ्रेश ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश लगता है। शिमला में ये जो रात के लाइट्स है ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, पहाड़ पे ऐसे जो लाइट्स होते हैं मस्त दिखते हैं एकदम। अभी कैसा है, जब आप मॉल रोड घूमने जा रहे होंगे ना, एंड अगर आप ऑब्वियसली आप व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आपको एक सिस्टम फॉलो करनी होती है। आपको जो नीचे मॉल रोड वाले जाना जो रास्ता होता है वो आपको पकड़ना होता है, एंड आपकी जो गाड़ी होगी वो पार्किंग होती है, जो 60 to 8 माले की पार्किंग है, सिर्फ पार्किंग जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क्ड होगी। एंड आपकी एक बार गाड़ी पार्क हो गई, आप उतर गए, यह जो आपको सामने से बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये है पार्किंग। एंड आप फिर जाएंगे, आप टिकट लेंगे, देखिए जो टिकट है 20 per person एंड 10 rupees फॉर सीनियर सिटीजन। लगेज होगा तो आपको 20 rupees देने पड़ेंगे। एंड ये जो लिफ्ट है, आपको 2 lifts लेनी पड़ेंगी जो आपको मॉल रोड तक ऊपर तक पहुँचाएंगी। बेसिकली 2 माले की, 2 floors की ये पूरी लिफ्ट है जो आपको 2 floors ऊपर लेके जाएगी, एंड तभी आप एक्चुअली मॉल रोड पर पहुँचोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ पे 3 lifts हैं इन टोटल, एक बड़ी लिफ्ट है एंड 2 छोटी लिफ्ट्स हैं। तो आपको जो भी लिफ्ट मिलती है उसमें घुस जाइए एंड पहुँच जाइए। तो अभी हम पहुँच गए मॉल रोड। यहाँ पे देखिए ये हिमालयन कोकोनट्स हैं जो हमने थोड़े से लिए, टेस्ट किए, एंड ये पूरा है मॉल रोड का स्ट्रक्चर। मॉल रोड में आप जाएंगे आगे आगे आपको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 bifurcations है, एक है जो नया मॉल रोड है, एक पुराना। पुराना इन सेंस पुराना नहीं है वो, बट वहाँ पे जो भी सामान मिलता है थोड़े चीप मिलते हैं, मतलब सस्ते में मिलते हैं। एंड जो न्यू है वहाँ पे थोड़े से ब्रांडेड शॉप्स है। आप अगर नया जो मॉल रोड है जहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स है वो रास्ता पकड़ेंगे, आगे जाके आपको रिज पॉइंट मिलेगा। बेसिकली सी लंबा सा बड़ा सा स्पेस है, खाली सा स्पेस है, वहाँ पे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे चर्च है, स्कैंडल पॉइंट है, एंड ऐसा कुछ। अभी यहाँ पे जो आपको ये स्टैचू दिख रहा है ना, हनुमान जी का स्टैचू है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट हनुमान जी का स्टैचू इन शिमला। यहाँ पे हम कल जाने वाले हैं, जाकू टेंपल है वहाँ पे। ये जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ना, ये रिज के इधर जा रहा है, और ये है ओल्ड मॉल रोड। सी गाइज, बट इफ आई गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट शिमला का मॉल रोड, यहाँ पे विंटर क्लोथ्स के अलावा आपको कुछ और नया नहीं मिलेगा। मनाली का जो मॉल रोड है वहाँ पे वो बहुत चीज़ें नई नहीं मिल जाएंगी, बट शिमला के मॉल रोड में ना सिर्फ विंटर क्लोथ्स है जो आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होंगे तो। अदरवाइज जो बाकी का सामान है, टी शर्ट्स, एक्सेसरीज, गेम्स और भी कुछ आइटम्स होते हैं, वो सारे आपको आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे काफ़ी ईजिली। पूरा मुंबई का ही मार्केट लगा मुझको बाकी का। आपको जो एक ही चीज़ होगी कि आपको विंटर क्लोथ्स शिमला मॉल रोड पर मिल जाएंगे। ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है चर्च शिमला की। आप अगर मॉर्निंग से आफ्टरनून टू इवनिंग के टाइम में जाते हैं आपको शायद चर्च खुली मिल जाए। हम जब गए थे तब रात हो गई थी, 7 बजे के आगे हम गए थे तो चर्च बंद थी। वैसे गाइज, मॉल रोड का जो है नाम है ना, मॉल रोड, ये ओरिजिनली मॉल रोड नहीं है, ये माल रोड होता है, क्योंकि माल मतलब आइटम्स, एंड यहाँ पे आपको आइटम्स ही मिलते हैं, तो ओरिजिनली इसको माल रोड बोल देते हैं, बट जैसे ब्रिटिशर्स आए इंग्लिश और बड़ी इंडिया में तो इसको मॉल रोड कर दिया गया। तो सामने आपको फ्लैग दिख रहा है, वहाँ पे है रिज। तो रिज जो एज आई सेड खुला सा जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, चल सकते हैं, टहल सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड उसका जो राइट साइड है ना, जैसे आप एंट्री लेंगे रिज पे, वहाँ पे है स्कैंडल पॉइंट। एंड आप अगर लेफ्ट में जाते हैं नीचे उतर के तो आपको मिलता है लक्कड़ बाज़ार। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है स्कैंडल पॉइंट। ये
गाइस ये जो चर्च है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई है। उस वक्त पे ब्रिटिशर्स का ये काफ़ी बड़ा सा पार्ट था शिमला। एंड अभी हम निकल गए होटल पहुंचने, मॉल रोड घूम के होने के बाद। एंड हमने होटल में जाके डिनर किया, थोड़ा आराम किया एंड हम सो गए क्योंकि कल बहुत घूमना था। अगर मैं होटल डे पार्क की बात करूँ, बहुत एवरेज होटल है वैसे तो। सिंस दिस वाज़ द पीक टाइम, तो हमको जो होटल चाहिए था वो हमको मिला नहीं बुकिंग के टाइम पे। एंड बहुत ही एवरेज होटल था। फूड वाज़ आल्सो वेरी एवरेज, दे वर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद देयर डिशेज़।